और चलिए जरा पूछो, रात को यह कांड हुआ था, आधी रात बीत जाने के बाद कुछ लोग करेली में स्थित मदरसे में जाते हैं, दरवाजा खड़खड़ाते हैं, दरवाजा खोला जाता है तो वहाँ अंदर कुछ बंदूकधारी, दो तीन बंदूकधारी जाते हैं, उसके बाद उनके साथ रात भर नदी किनारे बलात्कार होता है, उसके बाद उनको सुबह फिर लाके मदरसे में छोड़ दिया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने को मुस्लिमों को मसीहा समझते थे, बताते थे, उसके बाद उनको सुबह फिर लाके मदरसे में छोड़ दिया जाता है। वो बच्चियाँ जिनकी उम्र बहुत कम थी, उसके बाद विरोध करते हैं और वहाँ पर जाकर के जो लड़कियों का हॉस्टल था उसमें एंट्री करते हैं, वहाँ से दो नाबालिग बच्चों को उठा ले जाते हैं। वो बच्चियाँ जिनकी उम्र बहुत कम थी, उसके बाद उनके साथ हैं और वहाँ पर जाकर के जो लड़कियों का हॉस्टल था उसमें एंट्री करते हैं, वहाँ से दो नाबालिग बच्चों को उठा ले जाते हैं। वो बच्चियाँ जिनकी उम्र बहुत कम थी, उसके बाद उनके साथ रात भर नदी किनारे बलात्कार होता है, उसके बाद उनको सुबह फिर लाके मदरसे में छोड़ दिया जाता है। उस समय मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो कि अपने को मुस्लिमों को मसीहा समझते थे, बताते थे, मुसलमान भी समझते थे, उनके द्वारा कोई एक्शन न लिया जाना निंदनीय था। उस समय वहाँ के सांसद थे अतीक अहमद, विधायक थे अशरफ अहमद, उनके द्वारा इस पे किसी भी प्रकार की मुस्लिम समुदाय की कोई सहायता न करना, उन बच्चियों की कोई सहायता न करना, ये प्रश्नचिन्ह था उस समय और आज भी प्रश्नचिन्ह है कि उन्होंने क्यों मदद नहीं करी थी उन बच्चियों की। मायावती द्वारा उस मुद्दे को CBI जांच की मांग की गई थी, फिर वहां से लेकर गए और इस तरह से उन्हें गैंगरेप किया था। इसके बावजूद पुलिस उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की, दबाव में थी अशरफ की पुलिस, अतीक और अशरफ के, इसलिए कोई कार्रवाई जो है उन पर उस वक्त नहीं की गई। दो ये भी कहा जाता है कि उस दौरान मुलायम सिंह यादव, चूंकि प्रयागराज में कुंभ चला था 2007 में और मुलायम सिंह यादव आए भी थे प्रयागराज में, लेकिन उन्होंने सिर्फ गंगा स्नान किया, संगम स्नान किया और वापस चले गए। इस कांड को लेकर कोई एक शब्द भी उन्होंने बोला नहीं था, इसीलिए गुस्सा था। आपको आपने देखा सबके